हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ अ टेलर मेड कोर्सेस जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड दी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्डअप करें एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022 ट्वेंटी टू जहाँ पर इम्पॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इशूज़ एज़ वेल एज़ फुल लेंथ टेस्ट इसके अलावा अकेडमिक एंड मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मीन्स 2024 जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे 72 जिसमें डेली देंगे देन इसके अलावा चार हाफ लेंथ टेस्ट हैं और दो फुल लेंथ टेस्ट भी हैं साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स वीडियो सॉल्यूशंस एकेडमिक एंड स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए ज़रूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें और इसी को माइंड में रखते हुए हमने एक कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं राइट ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रीहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विथ पी साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन टेस्ट है अगर आप अपना आंसर को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद्युए बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आपका सब का वर्ड है बट करंटेयर से आप डरते हैं तो करंट अफेयर का पी एस आई आर का कोर्स आपके लिए बनाया गया है जहां पे पोलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराए नहीं राइट right? तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं जो कि हुआ है अ नंबर ऑफ आर टॉपर्स तो जाइए और कॉल कीजिए एटीन हंड्रेड पे या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स टूडेज लेक्चर अब वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्कूल्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का हिस्सा बनते हैं राइट right? जिनकी एक मेजर कंट्रीब्यूशन आई टूवर्ड्स द थर्ड ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस वॉज द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हमने पॉलिटिकल थ्योरी में ही देखा है दैट इवन विद इन द मार्क्सिस्ट अप्रोच देर आर न्यूमर सब स्कूल जो कि निकल के आ गए हैं विद इन द मार्क्सिस्ट डिशन राइट वी हैव टॉक्ट अबाउट द क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड वी हैड ऑल्सो टॉक्ट ऑफ द

इनमें से तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम पढ़ेंगे आ सबसे पहले द ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस स्कूल्स ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस स्कूल्स क्या करते हैं अब क्लासिकल मार्क्सिज्म के अंदर हमने देखा दैट वी टॉक ऑफ द बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल राइट जहां पे जो आपका बेस है व्हिच इज बेसिकली द ओनली वे इन व्हिच चेंज इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस इट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई इकोनमिक्स है ना इकॉनॉमिक्स बेस है एंड इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चलता है विच लीड्स टू योर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एज वेल और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये डिवाइड कर देते हैं आपकी सोसाइटी को इन टू क्लासेस क्लासेस क्या है ऑन द बेसिस ऑफ अगेन इकोनॉमिक एक डिस्ट्रीब्यूशन है दोज हु हैव मींस ऑफ प्रोडक्शनस एंड दोज हु डू नॉट तो आपकी क्लास ऑफ हैव्स एंड क्लास ऑफ हैव नोट्स ठीक है और विद इन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये क्लासेस जो है वेरी करती गई हैं हमने देखा कैपिटलिस्ट फेज के अंदर हैव्स कौन है आपके कैपिटलिस्ट या बुर्जुआ एंड हैव नोट्स कौन है जो आपका लेबर या जिनको हम प्रोलेटेरिएट बोलते हैं तो मार्क्स का क्या कहना है जब तक यहाँ पे चेंज नहीं आता तब तक ये जो सुपर स्ट्रक्चर है राइट जिसके अंदर आपकी सोसाइटी हो गई कल्चर हो गया रिलीजन हो गया एडुकेशन हो गया स्टेट हो गया इनके अंदर कोई चेंज जो है नहीं आ पाएगा तो इसी क्लासिकल ट्रेडिशन को जब आप एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर अडेप्ट करते हैं दैट इज नोन एज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म तो अब क्या करते हैं वो अब वो कहते हैं नॉट जस्ट विद इन द कंट्रीज बट अगर आप एक पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखो तो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हो states के अंदर भी तो आपका डेवलप्ड वर्ल्ड जो कि आपके है which is your developing world, जो कि आपका पेरेफेरी हो गया ठीक है इनके अंदर भी ऑब्वियसली अंदर तो सोसाइटी डिवाइडेड है बट आपने देखना है इसको लार्जर में भी Right? Starting from Lenin, over time, जो है आपके लैटिन अमेरिकन स्कूल ने डेवलप किया एंड इसकी पीक आई वर्क ऑफ वर्ल्ड हम देखते हैं the school. अब हमने बात की थी जिसकी शुरुआत हुई बाय पीपल लाइक ग्रामस्टी एंड इसके बाद जो है साथ ही में आपका जो फ्रैंकफर्ट स्कूल है और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर न्यूमरस थ्योरिस्ट लाइक होकाइमर मर्क्यूज अडोर्नो ह्यूरहेन बेहेबरमास ये सब जो है इस फ्रैंकफर्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं जिन्होंने इस बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल जो है जिसको ऑफन क्रिटिसाइज किया गया था एज बीइंग रिडक्शनिस्ट एज बीइंग इकोनॉमिकली डिटर्मिनिस्टिक उसके बियॉन्ड जाके जो है नए कॉन्सेप्ट्स की बात की ठीक है जहां पे ग्राम्स्की ने आईडिया ऑफ हेजमिनी जो है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो है उसके ऊपर बात की सोसाइटी एंड कल्चर का क्या रोल होता है इन आपका वॉर ऑफ एट्रिशन इन वॉर ऑफ पोजिशन उसकी जो है ये बात की ठीक है और यहाँ से ही निकल के आता है इसलिए हमारा ग्राम्स स्कूल पहले जिसको डेवलप किया इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर रॉबर्ट कॉक्स ने स्टीफन गिल ने राइट एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल से निकल के आता है हमारा क्रिटिकल स्कूल क्रिटिकल थ्योरी जिसके सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर जिन्होंने आई के रिगार्डिंग मेजर एप्लीकेशन की वॉज एंड्रू लिंकलेटर ठीक है तो ये जो है आपके मेन स्कूल्स आ जाते हैं विद इन द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू आईआर ठीक है अब यही मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इकोनॉमिक आइडियाज आगे चल के ग्राम्स्टिन अप्रोच फ्रैंकफर्ट स्कूल की अप्रोच किस तरह से बात करते हैं उनको देखना अब जरूरी हो जाता है अब मार्क्स ने जो है अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि आईआर के लिए मार्क्स हिमसेल्फ कितने ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो हम बात कर सकते हैं दैट इवन व्हेन यू लुक एट मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट काम दैट इज दास कैपिटल और कैपिटल उसके अंदर ही मार्क्स ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आगे रख दिए थे राइट right? इनफैक्ट हम कहते हैं मार्क्स का खुद का काम जो है पहली बार मार्क करता था द ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ कैपिटलिज्म कई लोग कहते हैं मार्क्स हिमसेल्फ वाज द फर्स्ट ऑफ हाइपर ग्लोबलिस्ट हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर किए थे ना हाइपर ग्लोबलिस्ट जो कि ग्लोबलाइजेशन थ्योरी को इन प्रैक्टिस होते हुए देखते हैं और कहते हैं यस ग्लोबलाइजेशन इज ऑन इट्स वे तो मार्क्स इज वन ऑफ द फर्स्ट हाइपर ग्लोबलिस्ट थ्योरिस्ट। मार्क्स का कहना था कि देखिए जब कैपिटलिज्म चालू हो जाता है ना तो ट्रांसनेशनल कैरेक्टर तो बनेगा ही कैपिटलिज्म का क्यों वेरी ऑब्वियस। कि अगर हम मानते हैं कि अगर यूके या ब्रिटेन को अगर हम बोलें कि यूके या ब्रिटेन वाज द मदर ऑफ कैपिटलिज्म नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कैपिटलिस्ट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ठीक है और प्रोडक्शन का रीजन क्या है कैपिटलिज्म में यह है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना के के लिए 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 तो तो हम नहीं प्रोड्यूस 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 कर 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 रहे हैं। के लिए कर रहे कर रहे हैं 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 किसके प्रॉफिट अगर शुरुआत में आपको फ्री प्लान दे रहा था वो इसलिए नहीं था क्योंकि अंबानी जी या उनको लगा नहीं, नहीं हमें हर कोने को डिजिटली कनेक्ट करना है पॉइंट वॉज क्रिएट यू पे

पहली चीज जो लिमिट है इज द मार्केट राइट देयर इज अ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ द मार्केट एक पॉइंट के बाद अगर मार्केट सैचुरेट हो गई तो वो गुड्स और खरीद ही नहीं सकते सिमिलरली रॉ मटेरियल भी जो है लिमिटेड है क्यों अगर आपने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी लो हो सके उतनी लो रखनी है एंड जितने ऊपर रेट पे आप बेच सको उतने ऊपर रेट पे आपने बेचना है तो अगर आपकी मार्केट भी हो रही है और रॉ मटेरियल भी कम पड़ रहा है बेस्ट वे टू डू फाइंड न्यू प्लेसेस जहां से आपको चीप रॉ मटेरियल भी मिल सके और ऐसी जगहें जो कि बिग न्यू मार्केट्स भी हों जहां पे आप अपने गुड्स जो है मुंह बोले दाम पे बेच पाए यू कैन सेल देम एट द कॉस्ट एट द प्राइस दैट यू फील लाइक सो दैट यू कैन गेट हाई प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम इट राइट एंड दैट इज एग्जैक्टली दैट दिस दाइव टू डू विच इज वॉट कि ये जो स्टेट्स ने राइट right? ये जो स्टेट सॉवरिनिटी का आइडिया क्या था That over my territory I have complete control. So now these capitalist states go on conquering other lands and tearing down their barriers and their sovereignty. Why? So that they can open up new markets and new avenues of raw material for themselves. Right? And that is exactly what happened to India. We became a source of cheap raw material. Hum मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं ना दैट विद द कमिंग इन ऑफ द ब्रिटिश रूल द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इन द सेंस कि आपकी जो उनके साथ कंपटीशन ही नहीं हो सकता था राइट सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण अब हमारे पास क्या बेचने को बचा था सिर्फ हमारा रॉ मटीरियल ठीक है तो रॉ मटीरियल हम लेते जो ब्रिटिश थे चीप प्राइस पे एंड फिर जितना अपना मास प्रोड्यूस सामान था उसको लाके मुंह बोले दाम पे अपनी कॉलोनीज में बेचते एंड हाई ह्यूज प्रॉफिट्स जो है उनको कमाते दिस वाज समथिंग दैट मार्क्स हैड पॉइंटेड आउट वेरी वेल इन एडवांस ठीक है इनफैक्ट इसी से बिल्डअप करके रोजा लग्जमबर्ग वो बात करती है इम्पीरियलिज्म की एंड इम्पीरियलिज्म के अंदर वो कहते हैं कि ये लास्ट स्टेज है इन द हिस्टोरिकल रेस ऑफ कैपिटलिज्म मार्क्स का भी यही कहना था ना कि देखिए ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक फेजेस डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं बट एक पॉइंट के बाद एक सीमा रीच हो जाती है यू रीच अ पॉइंट वेर इन दैट सिस्टम विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन वेट राइट जस्ट एज स्लेव लेबर Wala phase came to an end just as feudalism came to an end.

एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि किस तरह से कलोनियलिज्म इम्पीरियलिज्म जो कि कैपिटलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है दीज व मेड पॉसिबल हाउ थ्रू मिलिट्री ऑक्यूपेशन जिसके थ्रू तो आप एक्सटर्नल डेट जो है बाय एन अनईक्वल एक्सचेंज कॉलोनीज पे इम्पोज कर सकते थे राइट right? तो आप इमेजिन कीजिए अगर हम देखते हैं इवन इंडियन हिस्ट्री को एंड द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश को क्या ब्रिटिश अपनी एक डोमिनेशन स्टेब्लिश कर पाते अगर उनके पास मिलिटेरिली अपर हैंड नहीं होता

वो बहुत कम बहुत ही धीरे उगता है ठीक है जिसके कारण जो रॉ मटेरियल पे एक्सपोर्टिंग नेशंस होती हैं, दे विल ऑलवेज एंड अप लूजिंग इन द लॉन्गर रन एंड इसके कारण क्या होता है बहुत एक्सटर्नल डेट जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है जैसे कि इंडिया के केस में भी वो दिखा रहे है थे एंड यही आइडिया जो, जो है वो दिखा सकते हैं ठीक है so, सो ये आइडिया ये मिलिटरिज्म को ए, ए, एक तरह से कनेक्ट करके विद इम्पीरियलिज्म ग्रोथ ऑफ कलोनियल डोमिनेशन वाज समथिंग दैट रोजा लगजमबर्ग ने पॉइंट आउट किया विद इन द रेलम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अब रोजा लग्जमबर्ग के बाद जो एक मेन काम आता है इस बाय व्लादिमीर लेनिन जिनको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन लेनिनिज्म राइट लेनिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था इट केम बाय द नेम ऑफ इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ पे लेनिन क्या बोलते हैं रोजा लग्जमबर्ग ने क्या बोला था ये लास्ट स्टेज है लेनिन कहते हैं लास्ट नहीं ये हाईएस्ट स्टेज है मतलब कैपिटलिज्म का सबसे करप्ट सबसे घिनौना द मोस्ट एक्सप्लॉयटेटिव

मास प्रोड्यूस्ड गुड्स वो उनको एक्सपोर्ट करके बेच सके तो वही जो मार्क्स के आइडियाज उन्होंने कैपिटल में डाले थे उनको थोड़ा सा रिजिक करके लेनिन अपने काम में पेश कर देते हैं और इसके कारण क्या होगा जैसे कि लेनिन ने बात की बिकॉज

Russia, अब जो सोवियत यूनियन बन गया होता है, आउट ऑफ द वॉर है इट इज बीइंग फॉट फॉर कॉलोनियल गेन्स एंड वी डोंट टू बी एसोसिएटेड विद इट राइट अब लेनिन का कहना था व्हेन यू लुक एट इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना एंड कैपिटलिज्म का जो एडवेंट है इन दिस आप इस मोनोपोली कैपिटलिज्म को मोनोपोली कैपिटलिज्म जो कि अपनी डोमिनेंस असर्ट करना चाहता है ताकि सिर्फ ये प्रॉफिट बनाए इसके अंदर एक टू टीयर स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो गया है इन वर्ल्ड इकोनॉमी वन इज द डोमिनेंट कोर राइट सो आपकी कंट्रीज लाइक ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी राइट स्पेन पोर्चुगल जो अभी डिक्लाइन में थे बट दीज वो इनकी शुरुआत हुई थी राइट एंड नाउ यू वर विटनेसिंग दैट इवन जापान यूएसए जो है इनके इम्पीरियल गोल्स जो है वो बनते जा रहे थे मच लेस देन ऑब्वियसली द प्री एग्जिस्टिंग यूरोपियन पावर्स बट इनके भी एम्बिशंस तो बहुत थे ठीक है ये हो गया आपका जो डोमिनेंट कोर था एंड इस डोमिनेंट कोर के अगेंस्ट आई थी आपकी लेस डेवलप्ड जिनको आप पेरिफेरी बोलते हैं जो कि आपकी कलोनियल कंट्रीज थी राइट सो कंट्रीज आपका एशियन एशिया के अंदर पूरा कॉन्टिनेंट हो गया चाहे ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हो इंडिया हो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया ठीक है एंड लैटिन अमेरिका को पहले छुटकारा मिल चुका था बट लैटिन अमेरिका को एक्सप्लॉयट करने के लिए उन्होंने नियो कलोनियल अब जो है एडवेंट कर लिया था आप अगर यूएसए के देखे यूएसए की हमने याद है ना हमने डॉक्ट्रीन की थी कि भैया लैटिन अमेरिका में किसी ने नहीं घुसना ये मेरा बैकयार्ड है इसको मैं एक्सप्लॉयट करूंगा और मुझे कॉलोनाइज भी करने की जरूरत नहीं है न्यू कलोनियलिज्म बहुत है मेरे लिए ठीक है तो अब ये पेरेफरी जो है ये लेस डेवलप्ड पेरेफरी इसको एक्सप्लोयट करके ये कोर कंट्रीज सुपर प्रॉफिट्स जो है

जो इंटरेस्ट है ये सारे वर्कर्स के अक्रॉस द वर्ल्ड वो अब हार्मनी में नहीं है कैसे ऑटोमेटिक हार में नहीं है अब उसको समझ लेते हैं पेरेफरी को इन्होंने एक्सप्लॉयट किया ठीक है हम देखते हैं ना हम बात करते हैं चार्ल्स हम बात करते हैं चार्ल्स चार्ल की किताबों की ओलिवर ट्विस्ट टेल ऑफ टू सिटीज पे उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से अर्ली लेट एटीन एंड अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में कितना ज्यादा बुरा हाल था यूरोप का बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो कि आपका कैपिटलिज्म कर रहा था Now, when capitalism develops roots in colonial countries, जितने वो वो बना रहे हैं, क्या होता है? वो अब अपने workers की, अपने workers की, की की मतलब अगर ने आके इंडिया को exploit किया, सोने चिड़िया को लूट लिया यहाँ से उन्होंने कमाए ह्यूज सुपर प्रॉफिट्स वापस जाके ब्रिटिश की जो फैक्ट्रीज थी वहां पे जो वर्कर्स जिनको से आप इमेजिन कीजिए मे बी वन पाउंड डे मिलता था उनकी उन्होंने पे बढ़ा के कर दी पांच पाउंड डे वर्क तो हो गया बड़ा खुश वो ये नहीं देख रहा कि अगर मेरी पे जो है एक से पांच पाउंड बढ़ी है वही ऑन दी अदर हैंड मेरे मास्टर का जो प्रॉफिट है टू हंड्रेड टाइम्स बढ़ गया है वो ये नहीं देख रहा बट उसको खुशी मिल रही है दैट दैट टू पाउंड पाउंड के अंदर जो शिफ्ट आया है इज मैसिव फॉर हिम तो अब क्या हुआ उनको वो पांच मिल गई साथ ही में ब्रिटिश फैक्ट्री वाले बोलते चलो अब हम तुमको सोशल सिक्योरिटी भी देंगे हम तुमको हेल्थ इंश्योरेंस भी देंगे हम तुमको कुछ लिविंग अलाउंस भी देना इसके साथ शुरू कर देंगे क्यों क्योंकि हम तो प्रॉफिट ही बहुत बना रहे हैं तो क्या हो गया अब वर्कर को तो लग रहा है मेरी लाइफ कितनी इंप्रूव हो रही है एंड इसके कारण नाउ दैट कोर कंट्री में बैठा वर्कर नो लॉन्गर एम्पैथाइजिस और सिंपैथाइजेस विद द वर्कर्स जो कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं जिनकी कंडीशंस बहुत ही बदतर हैं जो कि मर रहे हैं फैमिन से स्टारव हो रहे हैं इन द कॉलोनियल कंट्रीज ठीक है तो इस तरह से एक जो ऑटोमेटिक हारमोनी थी और वर्कर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि मार्क्स ने इमेजिन की थी लेनिन सेज वो पॉसिबल नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर ये जो कोर पेरिफेरी का रिलेशनशिप आ जाता है ठीक है तो इसीलिए जो है इसको बुलाया जाता है दी आइडिया ऑफ अनइवन डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म जिसको आगे चल के और भी ज्यादा डेवलप करते हैं लैटिन अमेरिकन स्कूल से आ रहे स्कॉलर्स ठीक है इसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिकन डिपेंडेंसी स्कूल या फिर इसको डिपेंडेंसिया क्योंकि लैटिन अमेरिका में डेवलप हुआ डिपेंडेंसिया भी बुलाया जाता है ठीक है इसकी शुरुआत की गई थी देवर न्यूमरस पीपल इससे पहले भी पीपल लाइक पॉल बरान जिन्होंने बात की थी राइट बट मेन जो इसको इम्पेटस मिला था वॉज बाय द लैटिन अमेरिकन स्कूल एंड इन पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशंस की जो एक इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका आई उसके जो मेजर एक लीडर थे जिन्होंने लिखना शुरू किया जिन्होंने रिपोर्ट बनाई रॉल प्रेबिश इनके काम से जो है ये डिपेंडेंसी स्कूल दी आइडिया ऑफ कोर पेरिफरी की और ज्यादा डेवलपमेंट हुई राइट right? अब

आपकी कोर कंट्रीज को यूएसए को यूके को एंड सो एंड सो फोर्थ इन रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव और सो एंड सो फोर्थ नाउ इमेजिन करो कि पहले 10 टन ऑफ कॉफी यूज टू बी इक्वल टू मे बी टेन रेफ्रिजरेटर्स इन प्राइस ओवर टाइम हम क्या देखेंगे कि अब टेन टन ऑफ कॉफी के अंदर सिर्फ दो रेफ्रिजरेटर आ पाते हैं क्यों क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्राइस जो है मच मोर मच मोर स्पीड से इंक्रीज होता है राधर देन इन प्राइमरी गुड्स का या रॉ मटेरियल्स का अब बेचारी जो पेरेफरी कंट्रीज हैं वो तो उनकी तो रिलायंस ही प्राइमरी गुड्स पे है उनको कभी कोई इंडस्ट्रियलाइज ही नहीं होने देते कोर कंट्रीज क्यों बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है हयाकी का ये कोर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल है अगर इंडस्ट्रियलाइज होगी डेवलपिंग कंट्रीज भी तो फिर वो अपने एक्सप्लॉयटेशन को कैसे जारी रखेंगे अपने प्रॉफिट कैसे बनाएंगे तो इसीलिए

मोर थिंकर्स इंक्लूडिंग पीपल लाइक ए जी फ्रैंक कार्दोसो इन्होंने इस डिपेंडेंसी स्कूल के आइडिया को और ज्यादा डेवलप किया वेरी इंपॉर्टेंटली वेन वी लुक एट अन ईवन डेवलपमेंट के आइडियाज अगर इसके बारे में आपको पूछा जाए अंडर डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको पूछा जाए डिपेंडेंसी स्कूल के बारे में अगर आपको पूछा जाए ये सब जो है इन्हीं के आइडियाज है प्रबिश कारदोसो समीर अमीन ए जी पीपल जिन्होंने डेवलप किया है अब यहीं पे इसी अंडर डेवलपमेंट के आइडिया में इन्होंने एक और न्यू कॉलोनियलिज्म का भी जो पर्सपेक्टिव आया वो आया बाय नकोरमा नकोरमा कौन है ये नाम जो है आपकी नॉन अलाइन मूवमेंट के एक मेजर जो फाउंडर थे वो ये भी थे ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ

कब्जा करके बैठे तो हमें पता होता था कि अरे हमको नहीं इनके साथ रहना तो हम जंगे लड़ते थे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस करते थे नेशनल मूवमेंट चलाते थे बट अब ये न्यू कलोनियल स्टेट क्या कर रहे हैं विदाउट है Without, have to politically control you. उसके बाद भी इकोनॉमिकली आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है नुकुरमा ने यही पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे वेज है जिनके थ्रू ये रिलेशनशिप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अब वो मेंटेन करके रख रहे हैं right? राइट इनफैक्ट इसको कहते हैं कि अब ये तो और भी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया फॉर को कंट्रीज दैट दे इन्जॉय पावर विदाउट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम बेवकूफ़ों को पता भी नहीं लगता है कि हम एक्सप्लॉयट हो रहे हैं राइट इनफैक्ट ये पॉइंट दैट इवन एड जो है जो एड एक कंट्रीज को देते हैं ये इवन के एड को जो है ये रिवॉल्विंग क्रेडिट बोलते हैं

प्रॉफिट राइट सो दिस वाज समथिंग जो कि नकरूमा ने आगे रखा